दौर कहानियों का। मेरा नाम है निक्षय मौर्य, पेशे से एक एक्टर और स्टोरी टेलर हूं। इस लॉकडाउन के समय में आपके लिए कहानियों का सीजन लेकर आया। इस सीजन का नाम है ये वक्त भी टल जाएगा, और आज की कहानी है कॉफी। कॉफी इस सीजन की दूसरी कहानी है। ये कहानी अंकिता और रजनीश की है। तेरे साथ होने से रास्ते अच्छे लगने लगे, तेरे साथ होने से रास्ते अच्छे लगने लगे, अब मंजिल की कोई फिक्र नहीं। यही बोलकर उसने बोला था, मुझसे शादी करोगी? और आज नौबत डिवोर्स की आ गई। एक घर में तो रहते हैं, लेकिन शायद फासले मीलों के हो गए थे। कुछ भी नहीं था मेरे लिए इस घर में करने के लिए। सोचा टीवी ही देख लेती हूं, और टीवी पे अचानक ये न्यूज, कोविड-19 की वजह से 21 दिनों का लॉकडाउन। हमें साथ रहना था पूरे 21 दिन और 2400 घंटे। काफी मुश्किल था दोनों के लिए। वो ऑफिस से दोपहर में ही लौट आया। अपने कपड़े बदलने के बाद फ्रंट रूम में आके बैठ गया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। एक अलग सी चुप्पी थी कमरे में। न जाने कब शाम ढल गई। वो उठा, फ्रिज से खाना निकालकर गर्म किया, प्लेट डाइनिंग टेबल पे लगा, मुझे आवाज देते हुए कहा, आ जाओ, खाना गर्म हो गया है। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन उसने शायद बहुत ही प्यार से कहा था, इसलिए मना नहीं कर पाए। साथ में खाना खाने के बाद वो फिर से लैपटॉप लेके बैठ गया। कमरे में फिर वही चुप्पी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी हमारे बीच ये दूरियां क्यों आ गई, हमारे बीच ये फासले क्यों आ गए। मुझे आज भी याद है वो समय जब रजनी सिर्फ मेरा दोस्त था, हस्बैंड नहीं। वो जब भी नाराज होता था उसे मनाना कितना आसान था। बस अपने हाथों से बनी कॉफी लेकर उसके साथ बैठ जाती थी। वो हमेशा कहता था, अंकिता मैं कितना भी नाराज हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी कॉफी मुझे हमेशा मना लेती है। इतने देर में मैं फिर से कॉफी बना लाई थी, और उसके तरफ कॉफी का बढ़ाते हुए कमरे की चुप्पी को तोड़ते हुए मैंने बोला, कॉफी? वो मुस्कुराकर मेरे हाथों से कॉफी का कप ले लिया। कुछ देर के बाद कमरे में हंसने की आवाज आ रहे थे, और डिवोर्स पेपर फटे पड़े थे डस्टबिन में। मैं रजनीश से बोल रही थी, ये लॉकडाउन आखिर कब तक रहेंगे? रजनीश मेरी ओर मुस्कुराकर बोला, ये वक्त भी टल जाएगा।